तीन डबल एक डबल ले भाई, चार सिंगल तो भाई हुआ कुछ यूं कि एक दिन भाई को लगी भूख और फिर मैंने ये सोचा कि यार कोई बर्गर शर्गर खाया जाए सस्ता और टिकाऊ, और फिर मैं एक बर्गर वाले की दुकान पे चला गया। तो मैंने सोचा आपके लिए शूट ही कर लिया जाए। जी हाँ भाईजान, ये है हाजी अहमद बन कबाब कॉर्नर और ये फ्रेस्को चौक के सामने वाली गली में मौजूद है। और रेट तो आपने देख ही लिए होंगे, सिंगल बन खाएंगे तो आपको 40 रुपए का पड़ेगा और डबल बन कबाब खाएंगे तो आपको 80 रुपए का पड़ेगा। लेकिन सस्ता, टिकाऊ और बहुत ही मज़ेदार है। और बड़ी बात तो यह है कि पूरे कराची से जो है लोग यहाँ पर बन कबाब खाने आते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि इस बन कबाब में ऐसा क्या ख़ास बात है, तो भाई मेरे हिसाब से कराची में ये अपनी नौइयत का पहला बन कबाब है जो कि कोयले पे तैयार किया जाता है। हाँ, कोयले पे तैयार किया जाता है। तो जब मैंने इनके ऑनर से पूछा कि भाई कोयले पे तैयार करने की क्या लॉजिक है, तो उन्होंने बताया कि जी हमारे बाप दादा जो है वो कोयले पे उन्होंने बन कबाब बनाने शुरू किया था, तो आज भी जो है वो हम गैस के बजाय जो है वो कोयले पे जो है बन कबाब हम बना रहे हैं और बस ये रिवायत चली आ रही है। यहाँ मेरी मुलाकात हुई इरफान भाई से। इरफान भाई जो है वो मैनेजर हैं यहाँ के, और मतलब मैनेजर ही कह लें आप, और वो जो है वहाँ पे मौजूद थे। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1953 से जो है वो ये बन कबाब का ठेला यहाँ पे लग रहा है और जो है वो बन कबाब यहाँ बेच रहे हैं। स्टॉल है बन कबाब का, ये पाइनियर्स में से है, यानी बन कबाब इंट्रोड्यूस ही इन्होंने कराया। अब इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्योरली बन कबाब जिसे कहा जाता है, यानी बन, प्याज, पुदीने की चटनी, वो यहाँ मिलता है आपको। और मेरे ख्याल में बन कबाब में यही इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ये तो हमने बन कबाब की शक्ल बिगाड़ के उसको बर्गर बना दिया है और पता नहीं उसमें क्या क्या ऐड कर दिया है। लिहाजा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ का बन कबाब ज़रूर खाएँ। कबाब जो है वो प्योरली दाल का बना होता है, चने की दाल का, और बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है, जिसको अंडे के ऊपर, अंडे में फेंट के अंडे के साथ जो है वो फ्राई कर लिया जाता है। और इसके अलावा बन गर्मा गर्म लजीज जो है वो गर्म करके तवे पे दोनों तरफ से सेक कर वो भी इसके साथ मिलता है, साथ में प्याज होती है और पुदीने की एक शानदार चटनी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मज़ा जो है वो सारा पुदीने की चटनी में ही पोशीदा है। बाकी जो है वो पार्सल का भी इंतज़ाम है, और आप अगर चाहें तो आप ठेले पे खड़े होकर भी खा सकते हैं। और बड़े बड़े लोग जो है वो दूर से आते हैं, दूर से आकर और जो है वो ये बन कबाब खाते हैं और इससे लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। इसके अलावा कराची में और भी बन कबाब के स्टॉल्स हैं। बाबू भाई का बन कबाब बहुत मशहूर है जो कि बंस रोड पे वाक़ है, और पाकिस्तान चौक पर भी एक बन कबाब वाला है जो बहुत मशहूर है। ये फ्रेस्को चौक का बन कबाब और बाबू भाई का बन कबाब और पाकिस्तान चौक वाला बन कबाब जो है वो तीनों तकरीबन सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं, एक ही स्टाइल में मिलते हैं, एक ही स्टाइल में सर्व होते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तीनों का टेस्ट बड़ा डिफरेंट है। मैंने तीनों ही ट्राई किए हुए। आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको वहाँ की वीडियोस भी बना के जो है वो शेयर करूँगा आपके साथ। इस बन कबाब में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सेपरेट दी जाती हैं, यानी बन अलग होता है, कबाब अलग होता है, प्याज अलग होती है, पुदीने की चटनी अलग होती है। और ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको सेपरेट ही मिलें, अगर आप चाहें और रिक्वेस्ट करें तो आपको एक प्रॉपर बन कबाब भी बनाकर दिया जा सकता है, और वो अपने कस्टमर्स को देते भी हैं। बाकी लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ आते हैं, मलीर से लोग यहाँ आते हैं, लांडी से यहाँ आते हैं, औरंगी से यहाँ आते हैं, नाजमाबाद से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का बन कबाब खाते हैं, लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। और क्यों ना खाएं, सस्ता भी है और मज़ेदार भी है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट कोयले पर बना बन कबाब जो है
वो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये बहुत लजीज भी है। हाजी अहमद बन कबाब पर जब मैं पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि ये दुकान जो है वो 3 नस्लों से जो है चली आ रही है, और बन कबाब बनाने के पाइनियर्स भी यही लोग हैं। ये लोग यहाँ पर सन 1953 से जो है वो ये कारोबार कर रहे हैं। अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज तक ये बन कबाब कोयले पे ही बनाया जाता है। इस सिलसिले में हमारी बात हुई इरफान साहब से, जो यहाँ मैनेजमेंट संभालते हैं। ये भाई जान 1953 से हमारे दादा ने चालू किया था, 1953 से अब 2021 है, मैक्सिमम 67-68 साल बन रहे हैं। इसकी एक तो खूबी है कि कराची में कोई भी कोयले के ऊपर नहीं बनाता, और बन कबाब यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये बानी है बन कबाब वालों का, ठीक है, कोयले पे कबाब पकता है। इसकी खूबी है, स्पेशलिटी ये है कि कोयले के ऊपर बनाते हैं हम लोग इसको, और सिंपल सा बन कबाब है। पुदीने की चटनी होती है, प्याज होती है, बताओ, और कोई केचप माइनस कुछ नहीं होता है। माशाल्लाह भाई, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, गैर मुल्क से भी लोग जो सयाह आते हैं वो भी इसको टेस्ट करके जाते हैं। हाँ, 40 रुपये का सिंगल बन कबाब है, ये सिंगल बन कबाब है 40 रुपये का, ये और डबल 80 रुपये का होता है, 2 बन कबाब हो जाएंगे वो 80 रुपये का हो जाता है। मतलब दाल होते हैं, दाल होती है, चने की दाल होती है ना, उसका कबाब होता है, गरम मसाले वगैरह। अभी तो फिलहाल जनाब 11 बजे से और रात को 1:30 बजे तक है, आगे का अल्लाह मालिक है। ये हमारे दादा ने जो स्टार्ट किया था ना, वो कोयले पे बनाना शुरू किया था, और हम इसी को लेके चले। और गैस में और कोयले में थोड़ा डिफरेंट होता है टेस्ट के अंदर ना, तो ये तो गिफ्ट ऑफ गॉड होती हैं चीज़ें, ये चीज़ें गिफ्ट ऑफ गॉड होती हैं। पुदीने की सिंपल सी चटनी है, हाजी अहमद के नाम से, पहले हाजी अब्दुल रजाक चलाते थे जो दादा थे हमारे, अब हाजी अहमद, अब उनके बेटे चला रहे, 3rd जनरेशन चला रही है इसको। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। तो भाइयों, ये था हाजी अहमद बन कबाब, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।